हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। स्टॉक मार्केट का जो पहलू आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, हो सकता है आप उससे इत्तेफाक रखें या ना रखें, बट ये हर एक का एक पर्सनल ओपिनियन है। तो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस टॉपिक के इंट्रोडक्शन के बारे में, जेनेसिस ऑफ दिस वर्ल्ड या जो दुनिया की उत्पत्ति की थ्योरी है वो हमारे साथ कैसे रिलेटेड है, नंबर्स के पीछे जो साइंस है उसका हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, स्टॉक प्राइजेस के पीछे क्या साइंस है, और फाइनली ये सारी चीज़ें मिलकर स्टॉक मार्केट को कैसे इफेक्ट करती हैं। आज के ज़माने में भी स्टॉक मार्केट को प्रभावित करने वाले तथ्यों और जानकारी से अधिकतर जनता अनजान है। स्टॉक मार्केट की दुनिया की एक बहुत बड़ी शख्सियत सर विलियम्स ने यह कहा था, देयर इज़ नथिंग न्यू अंडर द सन, एनीथिंग विच इज़ करंटली हैपनिंग और वुड हैपन हैज़ ऑलरेडी ऑकर्ड इन द पास्ट। यानी यहाँ कुछ भी नया नहीं है, जो हो रहा है या जो होगा वो पहले भी घट चुका है। तो आइए इस दुनिया की शुरुआत से शुरू करते हैं। होली बाइबल के अनुसार भगवान ने यह दुनिया 6 दिन में बनाई, और उसकी खूबसूरत रचनाओं में से एक है स्टार्स एंड प्लैनेट्स। इन्हीं के माध्यम से डिवाइन प्लान्स को क्रियान्वित किया जाता है। इनके पास कोई शब्द या आवाज़ नहीं होती, पर फिर भी इनकी गूंज समस्त धरती पर सिंबल्स के रूप में सुनाई देती है। इनकी रेडिएशन से धरती के हर जीव जंतु पर असर पड़ता है, और इंसानों पर तो इसका सीधा असर पड़ता है, जिसकी वजह से उसकी क्षमता और शक्ति दोनों प्रभावित होती हैं। स्टार्स की इन रेडिएशन एनर्जी को प्लैनेट्स मॉडिफाई करते हैं, जिसकी वजह से इंसानों के थॉट प्रोसेस और मूड्स में चेंज आता है, जैसे हैप्पी, सैड, ग्रीड, फियर एट्सेट्रा। इसे सरल भाषा में समझने के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि स्टार्स और प्लैनेट्स एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह हैं, जिसका मास्टर प्रोग्रामर गॉड है। ये मास्टर प्रोग्रामर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं और उनकी इच्छा के अनुसार घटनाओं का एक खास समय निर्धारण करते हैं। इस धरती पर जितनी भी बड़ी ऐतिहासिक घटनाएँ हुई हैं वो सभी प्लैनेटरी पोजिशन द्वारा टाइम की गई हैं, जैसे कि सिविलाइजेशन यानी सभ्यताओं की उत्पत्ति और विनाश, रेवोल्यूशन या क्रांति जैसे कि बर्लिन वॉल का गिरना और भारत में 1857 की क्रांति, नेचुरल डिजास्टर्स जैसे बाढ़, सूखा और आंधी तूफान, वर्ल्ड वॉर और महामारी। ये सब भी कुछ खास प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस की वजह से होते हैं। यहाँ तक कि US प्रेजिडेंट्स अब्राहम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी की हत्याओं के अंदर भी कुछ कॉमन है, पर जैसा कि मैंने अपनी वीडियो की शुरुआत में कहा था, आप चाहें तो इससे इत्तेफाक रख सकते हैं या इसे अंधविश्वास मान सकते हैं, पर ये अपने आप में एक स्टडी का विषय है। अब बात करते हैं हम इसके दूसरे भाग की, प्रिंसिपल ऑफ एज अबव सो बिलो, यानी कि जो इस धरती के ऊपर है उसी का स्वरूप धरती पर भी है, जैसे कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ इजिप्ट, जिसे कि इजिप्ट के राजाओं ने लगभग 2500 वर्ष ईसा पूर्व बनाया था, जो कि धरती के लैंडमास के ठीक केंद्र में स्थापित है। और इस पिरामिड की लॉन्गिट्यूड पोजीशन को अगर हम दशमलव तक लें यानी डेसिमल तक लें तो ये स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है, जबकि स्पीड ऑफ लाइट 1771 में कैलकुलेट की गई थी। धरती पर ये पिरामिड्स ओरियन तारामंडल के 3 सितारों जैसे दिखते हैं। इसके अलावा ये पिरामिड्स हमें धरती और चंद्रमा के डायामीटर, कई और ग्रहों के एलिप्टिकल ऑर्बिट्स और कई ऐसी रोचक और अविश्वसनीय जानकारी देता है जो प्रिंसिपल ऑफ एज अबव सो बिलो को बिल्कुल सही ठहराता है। इस पिक्चर में ऐसी ही कुछ रोचक जानकारियों का वर्णन है। अब हम चलते हैं वीडियो के तीसरे भाग में। मैथमेटिकल नंबर्स भी स्टार्स और प्लैनेट्स की ही तरह डिवाइन प्लान का एक सिंबॉलिक स्वरूप हैं। इनकी मदद से हम कई घटनाओं का पूर्व अनुमान लगा सकते हैं। ये ब्रह्मांड में ऊर्जा संचार का एक माध्यम भी है। अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स इंटरचेंजेबल हैं, इसी वजह से आप देखेंगे कि कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ अपने नाम में अल्फ़ाबेट या तो चेंज करवा लेते हैं या उसे बढ़वा लेते हैं, ताकि वे उनकी लाइफ की फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन के साथ मैच कर सके। वैसे तो हर नंबर की कुछ ना कुछ विशेषताएँ होती हैं, पर कुछ नंबर खास ही होते हैं, जैसे कि 12 और 9। आइए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। एक साल में 12 महीने होते हैं, एक फेस क्लॉक में 12 घंटे होते हैं, 12 राशियाँ होती हैं और 12 ही ज्योतिर्लिंग हैं। अब बात करें नंबर 9 की, तो नंबर 9 हमारे जीवन के साथ बहुत करीब से जुड़ा हुआ है। नवग्रह, नवरात्रे, नवरतन, इन सब में 9 नंबर कॉमन है। पहला गुड फ्राइडे 3 अप्रैल 33 AD को था, जिसका टोटल 9 बनता है। ओम की चैंटिंग के वक्त 432 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी आती है, जिसका टोटल अगेन 9 बनता है। मून का रेडियस, अर्थ का रेडियस
जाप करने वाले मनकी की माला हो या रेनबो जिसे हम इंद्रधनुष भी कहते हैं, ये सब 9 नंबर से जुड़े हैं। तो नंबर 9 में कुछ तो खास है। क्या क्या कहा आपने? रेनबो कैसे 9 नंबर से जुड़ा है? आप रोशनी से पैदा हुए, इन सारे रंगों को मिला देंगे तो वाइट कलर बनेगा, और इन सारे रंगों को हटा देंगे तो ब्लैक कलर बनेगा, यानी टोटल रंग हुए 7 + 2 = 9। 9 नंबर की एक और खासियत है जो आप जानते ही होंगे, यानी कि किसी भी नंबर में आप 9 जमा करें या किसी भी नंबर में से आप 9 घटाएं, तो जो रिज़ल्ट आएगा उसका टोटल ओरिजिनल नंबर के टोटल के बराबर ही होगा। माइनस का एग्जांपल आप खुद करके देख सकते हैं। 9 नंबर की इन्हीं विशेषताओं की वजह से आप देखेंगे कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ किए जाने वाले कई सारे मुहावरे इसी नंबर पर बेस्ड हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये सारा कुछ स्टॉक मार्केट से कैसे रिलेटेड है? स्टॉक मार्केट के खुलने का या शुरू होने का एक्चुअल टाइम 9 बजे ही है, और उसका क्लोजिंग टाइम है 3:30, यानी 3 × 3 = 9। इसी चीज़ को अगर आप 24 आवर फॉर्मेट में भी देखना चाहेंगे तब भी नंबर 9 ही आएगा, 1 + 5 + 3 = 9। अब आप में से कई लोग कहेंगे, ट्रेड तो मैं एक्चुअली 9:15 पे ही ले पाता हूँ, वो 9 से कैसे रिलेटेड है? तो 9:15 को भी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो जवाब 9 ही आएगा, बट ये जवाब आपको ढूंढना है, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये कैसे आएगा। जवाब के साथ आप अपना ईमेल और नाम भी भेजिएगा, क्योंकि सही जवाब देने वाले पहले 5 लोगों को मेरी तरफ से एक फ्री गिफ्ट मिलेगा। इस वीडियो के चौथे भाग में जाने से पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि महाभारत का जो युद्ध था कौरवों और पांडवों का, उसमें जो सेना थी अक्षौहिणी सेना, आप उसकी कंपोजिशन देख लीजिए, उसका टोटल देखिए, और फिर आप बताइए कि क्या इसमें कुछ इंटरेस्टिंग दिखा। अब हम पहुंच गए हैं इस वीडियो के सेकंड लास्ट सेक्शन में, जो कि है साइंस ऑफ स्टॉक प्राइसेस। बाकी और चीज़ों की तरह स्टॉक मार्केट भी इस प्लेनेट का ही एक हिस्सा है। काफ़ी लोगों ने गलत धारणा बना रखी है कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है। ये जुआ नहीं है, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स साइंस है जिसको समझने की ज़रूरत है। इस विषय पर ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने ऊपर दिया हुआ है। कोई भी इंसान अवचेतन रूप से या सबकॉन्शियसली वेव्स ऑफ एक्साइटमेंट एक्सपीरियंस करता है जब भी वो कोई स्टॉक खरीदता है या बेचता है। स्टॉक्स भी ऊर्जा का एक केंद्र होते हैं, और वो अपनी चाल खुद तय करते हैं, और ये चाल मार्केट ऑपरेटर्स के कम्बाइंड इमोशंस का ही एक आउटकम होती है। अब आप पूछेंगे कि ऑपरेटर कौन होता है? ऑपरेटर कोई एक अकेला व्यक्ति नहीं है, बट ये ग्रुप या मास ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं, जिसमें FII, DII, HNI, मास रिटेलर, म्यूचुअल फंड हाउस, ये सब आते हैं। इसके बारे में और ज़्यादा जानने के लिए आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने ऊपर दे रखा है। तो इस वीडियो से ये निष्कर्ष निकलता है कि किसी भी स्टॉक का भाव या प्राइस मार्केट पार्टिसिपेंट्स के सामूहिक सबकॉन्शियस इमोशंस का परिणाम होता है। हमारी टीम ने स्टॉक्स की एनर्जी और पार्टिसिपेंट्स के इमोशंस को प्राइस नंबर्स में डिकोड करने की कोशिश की है, और इसी कॉम्प्लेक्स साइंस के ज़रिए हमने निफ्टी की इमोशनल वाइब्रेशन शीट भी तैयार की है, और ये शीट हम अपने वीकली मार्केट एनालिसिस और टेलीग्राम चैनल पर रेगुलरली शेयर करते हैं। तो आगे से आप किसी भी स्टॉक प्राइस को ऊपर या नीचे होते देखें तो समझ जाइएगा कि इसके पीछे कोई साइंस काम कर रही है। हमने अपने वीडियो में सिर्फ 2 ही नंबर डिस्कस किए हैं, पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि बाकी नंबर्स का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। अगर आपको किसी नंबर के बारे में जानकारी है कि उसका प्राइस के साथ कोई कोरिलेशन है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।